नमस्कार, घमासान.com पर आपका स्वागत है। पिछली रात को पाकिस्तान के ऊपर जो भारतीय वायुसेना ने हमला किया, उसके संबंध में हम आज आपसे आपस में चर्चा करेंगे। और हमारे बीच उपस्थित हैं प्रसिद्ध ज्योतिष और सामाजिक कार्यकर्ता गुप्ते साहब, मैं चंद्रशेखर बिरथरे। शशिकांत गुप्ते सर, अभी जो पिछली रात को हमला हुआ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और उसके परिणाम क्या होने वाले हैं? सबसे पहले तो हमको ये स्पष्ट समझना है जी, ये हमला हुआ ये युद्ध नहीं है जी। ये हमारी जो वायुसेना है उनको मैं बधाई भी देता हूँ, उनके कमांडर जो हैं, जो पायलट जो, और उन्होंने अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रख के बगैर एलओसी क्रॉस करके जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उसकी जो ट्रेनिंग सेंटर जो है उसको तबाह करने का साहसपूर्ण काम किया है। और जो अनुमानित अभी जो खबर आ रही है उसमें 300 करीब करीब आतंकवादी मारे गए, उसमें कुछ प्रमुख भी हैं जैसे मोहम्मद के। ये पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था ये संगठन। इसी संगठन के लोगों ने हमारे 40 जवानों की जान ली, हमारे नौजवान सैनिक अर्धसैनिक बल के जिन्होंने अपनी शहादत दी देश के लिए, तो इसका बदला तो सरकार को लेना था ही, हमारी व्यवस्था को लेना ही था। और इसीलिए आज जो ये घटना हुई है भोर में, ये बहुत ही अच्छी एक नियोजित एक योजनाबद्ध तरीके से यह हमला जो किया गया उस आतंकवादी संगठन पर, यह एक तारीफ काबिल बात है। और देखिए, हमारा जो देश है उसमें जो अनेकता में एकता की हम जो बात करते हैं, हमले की खबर आने के बाद में जितने भी राजनीतिक संगठन के जितने भी प्रमुख है उन्होंने सब ने बधाई दी है, सरकार को भी और वो जावाज विमान चालकों को भी। तो ये एक बहुत अच्छी एक हमारे यहाँ की जो संस्कृति जिसको हम बोल सकते हैं वो हमारे भारत की है कि जब भी हमारा विदेशी ताकतों के साथ या विदेशी आतंकवादियों के साथ या जब कुछ इस तरह की घटनाएं होती है तो हम सब एक हैं, यह प्रतीक पूरे विश्व को दे देते हैं कि हमारा भारत एक है जी। कुल मिला के मैं भी अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि रात को 3:25 पर ही हमला हुआ, 12 मिराज विमानों के द्वारा 10 1000 किलो के बम वहां गिराए गए और खास करके उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां जो ट्रेनिंग सेंटर थे जैसे मोहम्मद के। और एक बात और हमको सोचने में आती है, कई बार मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कई लोगों ने उपहास का पात्र बनाया कि वो इतने बाहर के दौरे करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब सुबह 5 बजे के बाद पाकिस्तान ने ये बताया कि भाई एलओसी पार करके, पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि एलओसी पार करके हमले किए गए और मुजफ्फराबाद, चिकोटी और दूसरा बालकोट, ये 3 जो इलाके हैं वहाँ पर हमला किया गया, जबकि हमारे विमान एलओसी तक पहुंचे ही नहीं, एलओसी के पहले ये सारे पाक अधिकृत कश्मीर में ये अड्डे थे। और देखिए, अभी एक और 3 दिन पहले की बात है कि जैसे मोहम्मद का जो मुख्य है मसूद अजहर, उसको भेज दिया गया बहावलपुर, रावलपिंडी से उसे शिफ्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम में, पाकिस्तान की राजनीतिक परिदृश्य में भी ये बात थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरा एक और बात है कि आज अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश जो पाकिस्तान के हामी हैं उन्होंने भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। और आपको अगर मैं याद दिलाऊं कि ट्रंप ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 7 दिन पहले ये उनकी बात बताई थी कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तो जैसा आपने कहा ये युद्ध तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक, मतलब सही बात है कि युद्ध नहीं है, पर आगे
जैसे कि क्या होता है कि पाकिस्तान को देखा गया, पाकिस्तान का जो चरित्र है ये हर बार मतलब एक तरह से खुराफाती जो खुराफाती भी है और मुझोर है। देखिए पाकिस्तान के जो भी अधिनायक हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या जो अपने आप को चुनी हुई सरकार बोलते हैं, वहाँ के जितने भी मंत्री लोग हैं, वो उनके पास एक ही हथियार है कि हिंदुस्तान को कम दिखाना, हिंदुस्तान की बुराइयां करना और फिर वहाँ की जनता से वोट प्राप्त करना। ये उनका पुराना हथियार है, हथकंडा है, और वो ये करते आ रहे हैं। लेकिन अब स्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी हैं। पहले हम लोग 5 युद्ध लड़ चुके हैं पाकिस्तान से और 5 युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई है। उसके बावजूद भी वो अब जैसे हम लोग सेना की बात करें तो हमारे पास जो थल सेना है, हमारे पास 12 लाख सैनिक हैं, उनके पास 6 लाख सैनिक हैं। और भी दूसरे सामरिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास सिर्फ परमाणु बल के अलावा हमसे वो हर क्षेत्र में हमसे कमतर है। पर उसके बावजूद भी उनको अगर वो हिंदुस्तान की बुराई नहीं करें, हिंदुस्तान को नीचा नहीं दिखाएं, तो वो अपनी जनता को मुंह कैसे बताएंगे? अब मेरे को अभी आपको खबर मिली है कि शायद पाकिस्तान रिटालिएट करेगा, पाकिस्तान इसके बदले में कार्रवाई करेगा। क्योंकि अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो उनको भले ही वो इमरान खान हो, प्रधानमंत्री हो, उनको अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। और अभी एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने जैसे ही कहा कि हम भाई सिंधु का पानी रोकेंगे, जो 20% पानी जो हमारे हिस्से में आता है वो हम रोक लेंगे, प्लस 200% जो आयात ड्यूटी कर दी है, इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी है वहाँ पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं पे, उसका भी एक मुल्क पे बहुत बुरा प्रभाव गिरा है। क्योंकि 12 ट्रक पूरी तरह जो भरे हुए थे खारक, जिसको बोलते छुआरा, उनको वापस भेज दिया गया और एक्साइज ड्यूटी 100% से 200% कर दी गई। तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो वैसे ही धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। और एक बात और है कि पाकिस्तान की जो सेना है सर, वो मॉरली जिसको बोलते हैं, उनका मॉरल बहुत डाउन होता है। एक छोटे से हमले में वो इतना हड़बड़ा जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो कुल मिला के जो हमला किया गया हिंदुस्तान के द्वारा, रात को जब वो सो रहे थे उनको पता भी नहीं कि हमला कब हुआ, और 5 बजे बाद वहाँ से पाकिस्तान से एक ये उनके मीडिया ने एक खबर भेजी कि भई हमारे यहाँ हमला हुआ है, LOC पार करके हिंदुस्तान ने जहाज उनके भेजे और हमला किया और हम उसको रिटालिएट करेंगे, जो भी है। तो हमारी जो हिंदुस्तान की सामरिक स्थिति है और जो योजनाबद्ध, जैसे आपने बताया, योजनाबद्ध तरीके से एक पूरी तरह से सिलसिलेवार पूरी योजना बनाकर और उसको अंजाम दिया गया, तो ये भारत के लिए, वाकई भारत की सेना के लिए, भारतीय वायु सेना के लिए एक बहुत गर्व का विषय है और हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक और संदर्भ में सामने आ रहा है कि कल ही वॉर मेमोरियल का जो दिल्ली में बनाया गया है उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। तो यहाँ मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जो देश प्रेम की भावना एक हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक शुरुआत हुई है, वो एक अच्छा संकेत है। और मैं समझता हूँ कि अभी आगे क्या होगा इस बारे में तो हमारे लिए कह पाना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध एक विभीषिका होता है। युद्ध में दोनों देश के साथ साथ देश की आवाम को भी बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, आप क्या समझते हैं? दो राष्ट्रों के बीच जी कोई भी समस्या जब होती है, युद्ध यह हल होता ही नहीं जी, और होना भी नहीं चाहिए जी। और अभी जो ये अंजाम जो हुआ है, जो अभी हमारे वायुसेना ने जो हमला किया है जी, वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया है जी। मतलब रणनीति सफल हुई है उनकी, और उसके लिए ना निश्चित है कि जो सत्ता में इस वक्त जो प्रमुख है उनको श्रेय दिया जाता है जी। लेकिन जब जब भी हमारे इस तरह की स्थितियां बनी हैं, तो आप 71 की बात देख लो ना, 1 लाख लोगों की उन्होंने सरेंडर करा था इंदिरा गांधी के समय जी जी, बहुत अच्छी और बड़ी उपलब्धि रही, उपलब्धि रही है। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान तो किसी भी स्थिति में हमारा मुकाबला करने के लिए काबिल है ही नहीं,
वो तो जब हमारा जो ये पाक अधिकृत कश्मीर है और कश्मीर का जो हमारे पास हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप के ऐसे जगह है कि जहां पर हमारी जो महाशक्तियां ये हमेशा वहां पर उन्हीं के कारण सब ये होता है जी। अमेरिका चाहे जितना कह दे कि पाकिस्तान हमला करेगा ये करेगा, लेकिन हम पाकिस्तान को श्रेय देने वाला अमेरिका ही है जी। बिल्कुल ठीक बात। और आज अमेरिका के साथ साथ चाइना ने भी उसको पूरा सहयोग दे रखा है। वो चाइना तो यहाँ तक कह दिया कि मैं तो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करूंगा ही नहीं जी। बिल्कुल ठीक। तो क्या है कि ये जो भारत की जो स्थिति है वो कोई श्रेय ले अपने मुझे राजनीति इस वक्त नहीं बोलना है कुछ बात, लेकिन जो 70 साल में जो प्रगति है कि ये भारत ने जो विश्व में अपनी जो एक पहचान बनाई और विश्व गुरु बनेगा इसमें कोई दो मत नहीं, वो बनेगा आगे। वो तो महाशक्ति पहले दो थे, रशिया और अमेरिका। जब पाकिस्तान की तरफ से कोई बात होती थी तो रशिया हमको सपोर्ट करता था, और चाइना की तरफ से कोई होती तो अमेरिका सपोर्ट करता था। ये जो एक मिला जुला जो इनका खेल चलता था, तो उसमें जो मैं जो बोल रहा था भौगोलिक स्थिति में जहाँ वो कश्मीर स्थित है वहाँ एशिया महाद्वीप में वहां पर जिसके पास जो सत्ता होगी वो पूरे एशिया के ऊपर राज्य कर सकता है, ऐसी भौगोलिक स्थिति है। तो भारत को ये महाशक्तियां डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सकती, डिस्टर्ब रखने की इनकी जो गंदी रणनीति है उसके तहत वो, क्योंकि 135 करोड़ का एक ही देश ऐसा है कि कई राष्ट्र मिलाने के बाद भी वो जनसंख्या नहीं होती है। तो कोई भी उत्पाद किसी भी देश का बनता है तो उसको अपना पूरा करने के लिए पोटेंशियल अगर मार्केट है तो भारत है, तो उसको अपने व्यापार भी करना है, इसलिए युद्ध की स्थिति तो बनना ही नहीं है, वरना बनने देगी कोई शक्तियां। और ये जो घटना हुई है इसको किसी को श्रेय न देते हुए हमारे सैनिकों को श्रेय देना चाहिए, और दूसरा सबको संवेदनाएं अपनी बनाकर रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, इसमें उत्तेजना की बात नहीं करना चाहिए। इस पर जो पाकिस्तान पैसा कर दिया वैसा कर दिया करके कोई हम सांप्रदायिक स्थिति तक नहीं ले जाए, ये मेरा मतलब इस माध्यम से ghamasan.com के माध्यम से जो सुनने वाले उनको भी निवेदन है कि हम इसको सांप्रदायिक रंग न दे। ये एक आतंकवादी जो संगठन है उसके ऊपर हमला है, और ये जरूरी था सबक सिखाने के लिए कि बार बार जो आतंकवादी उनको भी पता चलना चाहिए कि भारत के पास भी ये भारत भी इस मामले में सक्षम है कि वो हमला कर सकता है और वो आतंकवादियों को समाप्त कर सकता है, तो इसके लिए जरूरी था। लेकिन युद्ध की स्थिति नहीं बने ये मेरी कामना भी है। देखिए सर, पुलवामा में जो अटैक किया और उसकी जिम्मेदारी जैसे मोहम्मद ने ली, और उसके बाद जो स्थितियां बनी, क्योंकि देश की हिंदुस्तान की जो नागरिक हैं वो बड़े असंतुष्ट थे, वो बड़े दुखी थे, और उसका बदला अगर इन्होंने सुनियोजित तरीके से लिया है भारत की वायुसेना ने, तो ये बहुत सराहनीय है। और मैं भी हमारी पूरी भारतीय सेना को, भारतीय सेना के जनरलों को बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई देता हूँ, और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस घटना के दुर्घटना के क्या परिणाम आएंगे ये भी हमें सोच के चलना है। और जैसा कि आपने बताया, एक इशारा किया कि सांप्रदायिक रूप से भी हमको संभल के रहना है, हमारे देश का सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं हो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो सब सबकी संवेदनाएं सेना के साथ हैं, लेकिन ऐसे समय संयम बना के रखें, ये भी बात बहुत सही है। और इन्हीं चीज़ों के साथ हम हमारी वार्ता को यहाँ समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए ghamasan.com से नई खबरों के लिए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.